जय श्री महाकाल। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था कि आध्यात्मिकता की शुरुआत या सही शुरुआत कैसे करें, और उस पर मैंने बताया था कि आप 41 दिन तक ध्यान करें, ओमकार का जाप करें। ओ जब आप इस तरीके से लगातार करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का उदय होने लगता है, आपकी चक्रों की ऊर्जा खुलने लगती है, और जब ये चक्रों की ऊर्जा खुलने लगती है तो इसके फल स्वरूप आपका जो आज्ञा चक्र का स्थान है यानी कि त्रिनेत्र का स्थान, वहां पे आपको वाइब्रेशन कंपन महसूस होने लगेगी, स्पंदन महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ खिंचाव हो रहा है, यहाँ की कनपटियों की नसों में कोई चीज फड़क रही है, ऐसा महसूस होने। और जब ऐसा महसूस होने लगे तब आप समझ लो कि आपके अंदर ऊर्जा का संचय हो चुका है, ऐसी ऊर्जा का संचय हो चुका है जिसके माध्यम से आप एकाग्र हो सकते हैं और निर्मल स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये अवस्था आपकी आपके आज्ञा चक्र के खुलने की शुरुआत। अब इसके बाद आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए चेतना की आवश्यकता है। हमारे चक्रों की जो ऊर्जा होती है उन्हीं सारे चक्रों की ऊर्जा को आत्मा के साथ एकत्रित करने के बाद जब हम आवाहन करते हैं उस शक्ति का, तो वो चेतना रूप में वो एनर्जी आती है जिसको आप निराकार कह सकते हैं, क्योंकि चेतना होना बहुत जरूरी है, इसी को ही चेतना बोलते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर चेतना आती है तब व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसके मस्तिष्क की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, उसके दिमाग में आने वाले विचार रुक जाते हैं, स्थायी हो जाते, लगातार चलते नहीं रहते। तो चेतना शक्ति का संचय करें। अब संचय कैसे करें कि हमारी जो ऊर्जा है हमारे पूरे शरीर में बहती रहती, सारे संपूर्ण शरीर में बहती रहती। तो हमें किसी कार्य को करना है, हमें किसी अदृश्य शक्ति को देखने की कोशिश करनी है, हमें किसी चीज को देखने की कोशिश करनी है, तो हमें अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना होगा। सबसे पहले एकत्रित करने के लिए थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं, 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, प्रार्थना करें और महसूस करें कि मेरे शरीर में वास करने वाली मेरी संपूर्ण ऊर्जा एकत्रित हो और मेरे आज्ञा चक्र के स्थान पर मेरे शरीर में वास करने वाली संपूर्ण ऊर्जा एकत्रित हो। थोड़ी देर तक अपने आप को भावना दें, इसके बाद आपका स्पंदन होना और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके शरीर की जो एनर्जी है वो आपके आज्ञा चक्र के स्थान पर एकत्रित हो जाएगी। इसके बाद ध्यान केंद्रित करके कोई ऐसा प्रश्न पूछिए जिससे आप समझ सकें कि आपका जो त्रिनेत्र है वो खुल रहा है। तो प्रश्न आपको ऐसा पूछना है जो विजुअली यानी दृश्य जगत का प्रश्न, और उसके लिए आप ऐसे प्रश्न का चुनाव कर सकते हैं जिसके बारे में आपको पता ना हो। आप चुनाव करिए, ऐसा चुनाव करिए कि मेरे घर की सीढ़ियां कितनी हैं, इस प्रश्न का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि आपके पर्स में आपने कितने पैसे रखे हुए हैं तो उसको भी आप पूछिए, मेरे पर्स में कितने पैसे। कनेक्ट होने की कोशिश करें, विश्वास और यकीन करने की कोशिश करें। इसके बाद आपको तरंगे मिलनी शुरू हो जाएं, क्योंकि चेतना भी अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। और जो रहस्यमय देवी की साधना मैंने अपनी पुस्तक गुप्त रहस्य अनावरण में दी हुई है वो चेतना शक्ति का साकार स्वरूप। तो जब आप ये प्रश्न करेंगे तो आपकी जो चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति से आपको निर्देश मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको जवाब मिले। आपके घर में अगर 10 सीढ़ी हैं छत पे जाने के लिए, तो आप उन सीढ़ियों के आपने पूछा ध्यान में कि मेरे घर में कितनी सीढ़ी है? आपको एकदम से जवाब सुनाई दिया 10, कन्फर्म करें वाकई में 10। आपको फिर जवाब उधर से आएगा, हाँ वाकई में। फिर ध्यान से उठें, उस अदृश्य शक्ति को नमन करें जिसको आप नहीं जानते, उन्हें नमन करें, जाएं देख के आएं। यदि वाकई में आपकी सीढ़ियां 10 निकलती हैं तो फिर आप यकीन करना सीखिए। और ये एक अभ्यास है, जब आप ये अभ्यास बढ़ा देंगे, जब इसी तरीके से और अदृश्य शक्तियां, चाहे जिन्न हो, जिन्नात हो या कोई भी शक्ति हो, ये सब एनर्जी, उनको जब आप स्थापित करते हैं तो वो आपके अंदर ऐसे सेंसर को और ज्यादा डेवलप कर देती हैं, और जब वो डेवलप कर देती हैं तो आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है, आप ऐसी चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही चीज सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है ही नहीं, उसने अपनी ऊर्जा को संचय किया ही नहीं, उसने उस ऊर्जा से कार्य लिया ही नहीं। तो इस तरीके से जब आप अभ्यास करेंगे तो सारी चीजें होंगी। ये एक विद्या है, ये प्राचीन विद्या है, और मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये सब ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, और जब छोटे बच्चे ये सीखते हैं तो वो काफ़ी परिपक्व बन जाते हैं, काफ़ी अच्छे बन जाते हैं 5-6 साल मेहनत करने के बाद। वो आंखें बंद करके सारी दुनिया देख सकते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। लेकिन एक
दायरा है। जब आप अपने अंदर की शक्ति से देखने की कोशिश करते हो, जब आप सिर्फ अपने चक्रों की ऊर्जा से देखने की कोशिश करते हो, तब आप सिर्फ विजुअली वर्ल्ड देख सकते हो, इनविजुअल वर्ल्ड को नहीं देख सकते। लेकिन जब आप साकार स्वरूप में किसी शक्ति को ले आते हैं, जैसे चेतना शक्ति हुई, या आपने कोई अन्य शक्ति है, कोई अन्य एनर्जी है, जैसे शोधनी देवी हुई, शोधनी हुई, या जिन हुआ, नूरी जिन हुआ, या जिन्नात हुआ, ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको जब आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हो, तो आप विजुअल वर्ल्ड के साथ इनविजुअल वर्ल्ड देख सकते हैं। पैरालौकिक जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाली जो एनर्जी है उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप महसूस कर सकते हैं, उन्हें आप हटा सकते हैं इनके माध्यम से, यानी कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जब सही क्रम से आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी एनर्जी का, आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग कर पाएंगे, और इसके माध्यम से सब कुछ संभव है। धन कमाना भी संभव है, पैसे कमाना भी संभव है। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आप कमा सकते हो, आपके पास ये टैलेंट है। जब आपके ये टैलेंट होगा, चार लोग आपके पास मिलने को आएंगे, जब मिलने को आएंगे, आप जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, आप जो उनके बारे में उन्हें जानकारियां देंगे, वो जब ओरिजिनल होंगी, वास्तविक होंगी, वो उस पर यकीन करेंगे, वो बोलेंगे हाँ वाकई में जो आप बता रहे हैं वो सच है, तो वो आपको पैसे देंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपना इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप भी इसी तरीके से अन्य लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीखना होगा, क्योंकि ये एक कोर्स है, ये एक विद्या है, ये एक अध्ययन है, जो हमारा मार्ग है, आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग। तो हम इसके माध्यम से इस तरीके के शोध करते हैं, और हमने इस विद्या को इतना ज़्यादा बढ़ाया और हमने इसको समझा, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब आपको किसी चीज़ को सीखना है तो अब आपको गुरु से, आपको किसी टीचर से मिलना होगा जो आपको वो चीज़ें सिखा सके, जो वो चीज़ें जानता। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आप जब करेंगे तो सही तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको अपनी ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करना। अन्यथा यदि आप प्रयोग करना नहीं सीख पाए तो ये समझिए कि आपका त्रिनेत्र खुल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और ना ही आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया अनलाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। श्री महाकाल।